नाजरीन देखिए कि ये जब से मैंने टांगे अभी पहनी है तो ये मुझे यहाँ बहुत तकलीफ दे रही है। यहाँ पे ये इस जगह पे बहुत ऐसा ये होता है कि जैसे कील रख कर किसी ने दबा के रखा हुआ है, बहुत तकलीफ दे रही हो। और इधर इस साइड पे यहाँ पे मुझे दबाव देती है, तो दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? आपकी क्या खैरियत से आप जहाँ की हैं आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की बनाई दे, आसानी अता फरमाए, और जो हमारे प्यारे दुनिया फानी से जा चुके हैं सबकी मगफ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत उल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आला मकाम अता करे, और जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक औलाद दे, नेक साल औलाद दे, शरफियत वाली, सलामती वाली, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने नेक मकसद के लिए चुन ले, नेक मकसद के लिए चुन ले, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शफा दे। तो मेरे लोगों का सलाम करने पहले सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह बता करें, दुआ करो आमीन आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन तो आपसे यही गुजारिश करनी थी हमने कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें और शेयर भी क्या करें, लाइक किया करें खासूस तौर पे, क्योंकि हमारे काफ़ी वक्त हो गया चैनल को, लेकिन चैनल अभी तकरीबन कोई 8-10 दिन हो रहे हैं, मोनिटर तो हो गया है लेकिन अर्निंग का सिलसिला कोई ख़ास नहीं है। डेली के तकरीबन 20-25 पैसे, कभी 15 पैसे, यानी कि ये आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे पैसों की सूरत में, यानी कि कभी 15 पैसे कभी 20 पैसे, अब तक यानी कि तकरीबन जो 10-12 दिन हो गए या ऐसे ही मेरे ख्याल में, तो लेकिन टोटल $3 गालबा 2.5 पैसे हैं ऐसे, $3.25 हैं, ये देख रहे हैं कि इतना हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि व्यूज़ हमारे होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं तो व्यूज़ की सूरत में नहीं आगे हमें कामयाबी मिलेगी। और आपने तावन करना है, आपकी मोहब्बत से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह जब कामयाबी हमें मिलेगी तो हम दूसरे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबरों को भी साथ लेकर चलेंगे और उनको भी आगे लेके आएंगे, यानी कि खुद गर्दी वाला काम मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। और ये मेरी वीडियो बेशक आप लोग डाउनलोड करके बतौर गवाही अभी मेरा ही बयान मुझे ही सुना सकते हैं, आप लोग दिखा सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर लेके चलेंगे, लेकिन यह है कि हम आगे खुद तो ग्रो करें, क्योंकि अगर मैं खुद गर्द होता तो मैं दूसरों की सपोर्ट ना करता, कभी भी उनके लिए हवाले से वीडियो ना बनाता। मेरा जो दूसरा चैनल है इंसानियत अब्दुल्ला के नाम पे, जो चैनल है इंसानियत अब्दुल्ला के नाम पर नाम का, उसकी आज आपको कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो भी आप देखेंगे, विजिट करेंगे। तो मैंने यकीन जाने कि दूसरों की हेल्प की है, दूसरों की खिदमत की है, इस हाल में अपनी ये टांगे पीछे लगा के मोटरसाइकिल पर जाके घर घर जाके सर्वे करता हूँ और उनकी जानकारी करके तब जाके हम उनके हालात आपसे शेयर करते हैं, वीडियो की तरफ में वीडियो बनाते हैं और उनकी ही अपील करते हैं, और उनके लिए जो मैंने डोनेशन भेजते हैं मैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूँ, और वो जो मेरे काम में लगाया जाता है हम उसको ईमानदारी से करते हैं, और क्योंकि अल्लाह तो जानता है अगर हमने हराम करके खाना हो तो फिर हमें उसका फायदा क्या, मैं ड्रग अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरी रिपोर्ट करने वाली तो मैं अपने लिए ड्रग ले सकता हूँ, लेकिन ये कि हम दूसरों की सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कुछ लोगों को हमने राशन भी फराहम किया, घर भी बनवा के दिए, वाशरूम बनवा के दिए, व्हीलचेयरें लेके दिए। कहने का मकसद ये था आप लोगों से कि खुद गर्व होता तो मैं उनके लिए कभी नहीं बात करता, मैं अपने लिए बात करता। तो अब मेरी यानी कि ये आप लोगों से यानी कि जो मैं ऐन कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम सारी कामयाबी के बाद इंशाल्लाह हम दूसरे यूट्यूबर को आगे साथ लेके चलेंगे। अभी तो मेरे व्यूज़ तकरीबन 100 भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, कभी 40-50-70-80-90-100, कभी 100 से क्रॉस कर भी जाती है, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो तो यानी कि काफ़ी हमें अपना सब्सक्राइबर भी चाहिए, व्यूज़ भी चाहिए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करेंगे, और मेरे तमाम यूट्यूबर भाइयों से गुजारिश है कि उनसे भी रिक्वेस्ट है तो वो हमारे स्पेशल सपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं या जो हम कुछ चला रहे हैं, क्योंकि जो इस फील्ड में होता है उसी को ज़्यादा पता होता है, आप लोगों को भी पता है भाई। तो नाज़रीन बात कर रहा था मैं कि जो हमारे यूट्यूबर भाई है बहने हैं वो चला रहे हैं चैनल, उन्हें बताते हैं खुद इस बात का यानी कैसे खासा इलम है कि जब हमारे चैनल का विजिट करेंगे देखेंगे वो व्यूज़ से ही उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारे कितने व्यूज़। आप सब्सक्राइबर देखा जाए तो 1220 तकरीबन है, तो व्यूज़ तकरीबन 70-80-90-100 यहाँ तक आ रहे हैं। मुझे इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि उस सब्सक्राइबर का चले फायदा तो है हमें, ये बात नहीं है, लेकिन उनकी मर्ज़ी हमारी ज़बरदस्ती तो नहीं है, हमारी किसी के साथ देखे उनकी मर्ज़ी ना देखे उनकी मर्ज़ी, लेकिन हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि सवाब की नीयत से ही हमारी वीडियो को देख लें, शेयर कर लें, वॉच कर लें, क्योंकि हम आपसे कोई पैसे तो मुतालबा नहीं कर रहे कि भी हमें पैसे फराहम करें। अल्लाह यानी कि हमारे हालात जानता है, दिलों के हाल भी अल्लाह जानता है,
और उसी ने ही मदद करनी है, उसी रब के आगे ही हमारी हर वक्त फरियाद होती है इंशाल्लाह और रहेगी। और मेरी बेगम यानी कि ये भी बहुत खुददार है माशाल्लाह और बड़ी खुददारी की ज़िंदगी बसर करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर की कोई चीज़ ख़त्म हो भी जाती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं नमक है, घी है या कभी कोई और चीज़, तो हम शहर से बंदा वक्ती तौर ले लेता है, पकड़ लेता है कि चले जी दुकान दूर है या घर पर बंदा नहीं है, नहीं ले सकता, तब भी ये कहती है कि मैं भूखी बैठी रहूँगी लेने के लिए, उस घर में भी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाती, क्योंकि असल में जहाँ हम बैठे हैं हमारा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा अकेला घर है, किसी और का यानी कि है किसी और लोग यानी किसी हमसाय के घर में आना जाना हमारा नहीं है बहुत कम, क्योंकि हमारी कौम के लोग नहीं है, दूसरी और कौम के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं है कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आना जाना नहीं है, क्योंकि अब जाहिर है ये बोल नहीं सकती, इसको पता नहीं है कि मैंने क्या कहना क्या नहीं, बच्चे सुकून चलने देते हैं, अब ये छोटा बच्चा और दूसरी छोटी है हमारी आमना है जो इससे बड़ी है इससे छोटी है, तो उन्हें भी नहीं पता कि हमने क्या चीज़ मांगनी क्या चीज़ नहीं मांगनी, लेकिन बंदा वो तो मसला नहीं कर लेता, लेकिन उसकी खुददारी ये देखे कि ये उसके लिए भी ये जाती नहीं है कि मैं नहीं जाके किसी से थोड़ा सा घी ले जा जाते वापसी ही करना है, खुदा की जरूरत है, लेकिन वो भी नहीं करती है, अपने घर पर ही रह जाना और घर पर ही अपना मेरा इंतजार करेगी, मैं आ जाऊँगा तो मैं ले आऊँगा, पर कोशिश करते हैं हम स्टार्ट करके रख लेते हैं, आपने हमारे साथ। तो नाज़रीन और हमारे वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें तमाम यूट्यूबर भाइयों को, फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं, हम उन्हें दुआएं देते रहेंगे, और जो दूसरे यूट्यूबर भाई हैं जिनके यूट्यूब चैनल नहीं है उनसे भी गुजारिश है, आपका पहले भी बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली, किसी का हमारा ये मकसद नहीं कि हम जिला जारी करें, आपका बड़ा प्यार मिलता है, बड़ी मोहब्बत मिलती है, आपके कमेंट्स भी आते हैं और आप वीडियो भी वॉच करते हैं देखते हैं, आपका खूब शुक्रिया, हमारे दुआएं आपके साथ है, दुआओं के लिए आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको सलामती दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे और अजर अज़ीम अदा करे, मैंने नमाज भी पढ़नी है आपके सामने, ये जानवर पढ़ी है, नमाज असर का वक्त होने वाला है, थोड़ा सा टाइम रहता है लेकिन पढ़ेंगे, तो आपसे हम जाना चाहेंगे फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, और इससे पहले के जाने से पहले एक और यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई मेरी बात आपको बुरी लगी तो उसके लिए चाहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, चाहे किसी भी टाइम लगी हो, कोई आपको नाशी लगी हो, आपको सभी आप माफ़ी चाहते हैं और अपनी राय का ज़रूर इजहार करना, लेकिन आज की यही जो वीडियो है इसका ज़रूर इजहार कीजिएगा अपनी तरफ से कि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी या बुरी लगी, तो जो भी है इस बारे में आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि कुछ यहाँ लफ्ज ऐसे थे शायद आपको बुरे लगे हों, तो इसलिए कि मैं माजरा चाहता हूँ, फिर माजरा चाहता हूँ, तो बहुत शुक्रिया, दुआओं याद रखिएगा, आप फिर किसी और वीडियो में मुलाकात दोबारा करेंगे, ज़्यादा चाहते हैं, बाय बाय, आ गई हो, शिकवा तो नहीं है, आज शिकवा नहीं है, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, आमीन, आमीन, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।